वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है, जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है, जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वन टेस्ट सीरीज, प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455-231-327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो बातें होती हैं, डिसोल्यूशन दोनों केस में ही होगा। इंडियन पार्टनरशिप अगर डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करेगा, पर्पस क्लियर हो जाए, जिस पर्पस से फॉर्म हुआ था पार्टनरशिप फर्म वो पूरा हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर बिजनेस इलीगल हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाएगा, और अगर कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर आ गया कि बिजनेस को डिसॉल्व किया जाए तो भी डिसोल्यूशन हमको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक और भी है फ्रेंड्स, डिसीजन ऑफ गार्नर मरे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है फ्रेंड्स, डिसीजन ऑफ गार्नर मरे के हिसाब से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। फ्रेंड्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे फ्रेंड्स। सबसे एक और बात, ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, BCom फ्रेंड्स MCom फ्रेंड्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिजनेस आ सकते हैं रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं BHU BCom MCom में, या पूछे गए हैं अब तक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है कि अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आपको पता होगा रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है। तो इट इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के फ्रेंड्स नेचर का ये रियलाइजेशन अकाउंट है। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे, जिसमें सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आता है पैसे रिटर्न कर देते थे। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन का जो भी लॉस होता था वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन में। ठीक है फ्रेंड्स,
इन नॉर्मल डिसोल्यूशन डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मल डिसोल्यूशन में भी देखा जाता है फ्रेंड्स, अगर किस सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर किसी पार्टनर का डेफिशिएंसी बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो उस पैसे को कौन बॉन्ड करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये तो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो उनके लिए उन्हीं चीजों के लिए मैंने डिस्कस एक बार फिर से आपको करवा दिया, रिकॉल करवा दिया। फ्रेंड्स एक जो आता है दूसरा रूल, दैट इज डिसीजन ऑफ गार्डनर मरे। ये गार्डनर मरे दो पार्टनर थे, एक्चुअली फ्रेंड्स ये लोग तीन पार्टनर थे। थर्ड पार्टनर का नाम भी लिख लीजिए, वो भी पूछा जाता है। थर्ड पार्टनर इसमें जो थे, थर्ड पार्टनर नोन एज विल्किंसन। क्या नाम है? विल्किंसन। पूछा जाता है गार्डनर वर्सेस मरे में थर्ड पार्टनर का नाम क्या है, तो थर्ड पार्टनर का नाम है विल्किंसन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इनके अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स क्या रूल बनाया गया है, गार्डनर वर्सेस मरे इनके अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या रूल होगा। देखिए लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो इंडियन पार्टनरशिप में भी बताया गया है, इसमें भी बताया गया है। दूसरा, लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी ब्रॉट बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैश। ठीक है, ओनली हिज शेयर ऑफ लॉस। ये देखिए उसमें लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉस हो रहा है रियलाइजेशन में सॉल्वेंट पार्टनर को उसको कैश के फॉर्म में, सॉल्वेंट पार्टनर को कैश के फॉर्म में लॉस ऑन रियलाइजेशन को लाना पड़ेगा। ठीक है, ओनली हिज शेयर ऑफ लॉस मतलब सॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस हुआ होगा, सॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस हुआ होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ उतने ही लॉस को वो क्या करेगा, कैश में लाएगा। फिर से एक बार फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप में पढ़ा कि जो भी लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन फ्रेंड्स लॉस ऑन रियलाइजेशन गार्डनर मरे रूल में क्या कहा जाता है कि सॉल्वेंट पार्ट जो भी लॉस हो रहा है रियलाइजेशन में, सॉल्वेंट पार्टनर अपने अपने शेयर ऑफ लॉस को क्या करेगा, लाएगा अपने अपने लॉस को क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? देन डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करना था इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को, इसमें क्या करना है, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। ये देखिए लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है 2000 2000 1000। सपोज सी इज इनसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है फ्रेंड्स, इनका टोटल कैपिटल बैलेंस आ रहा है, फ्रेंड्स कितना, 11000 पे डेफिशिएंसी बैलेंस, जैसे कि आपको दिख रहा है डेबिट साइड में बैलेंस आना, मतलब डेफिशिएंसी बैलेंस आना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो लॉस आता है, ये दो पार्टनर सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट मान लीजिए, तो सॉल्वेंट पार्टनर अपने शेयर के लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हो रहा है उसको कैश में लाएगा। देखिए कैश में लाया ये, और साथ साथ ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का 11000 लॉस हो रहा है, इसको भी ये लोग किस में लाएंगे, इन देयर कैपिटल रेशियो। तो अंतर समझ में आया गार्डनर वर्सेस मरे में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या अंतर है, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गार्डनर वर्सेस मरे में किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन लोगों को कैश में लाना पड़ेगा। किन लोगों को? सॉल्वेंट पार्टनर को अपने शेयर ऑफ लॉस को कैश में लाना पड़ेगा। साथ ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी बैलेंस है उसको सॉल्वेंट पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ गार्डनर वर्सेस मरे इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट में उसको सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आप लोगों को समझ में आया। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही उन फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को
जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे अभी तक रिसोर्स के कमी के कारण। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके।